किसी ने क्या खूब कहा है, ऐसे अंधविश्वास जो मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट देते हो, उनका त्याग करने में ही समाज और व्यक्ति विशेष की भलाई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम सीखेंगे कुछ काम जो पहले करते थे उस समय के लिए सही था, मगर आज उसकी जरूरत नहीं है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है पुराना रिवाज। रेगिस्तान के बीच बसे एक शहर में फलों की बहुत कमी थी। भगवान ने अपने दूत को भेजा कि जाओ और लोगों से कह दो कि हो सके तो वो एक दिन में बस एक ही फल खाएं। सभी लोग ऐसा ही करने लगे। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही होता आया और वहां का पर्यावरण संरक्षित हो गया, क्योंकि बचे हुए फलों के बीजों से और भी पेड़ निकलने आते। कुछ दशकों में ही पूरा शहर हरा भरा हो गया। अब वहां फलों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी भी लोग एक दिन में बस एक ही फल खाने का पुराना रिवाज मानते थे। वे अपने पुरखों द्वारा दी गई नसीहत के प्रति अभी भी वफादार थे। दूसरे शहर वाले उनसे बचे हुए फलों को देने का आग्रह करते, पर उन्हें लौटा दिया जाता। नतीजन टनों टन फल बर्बाद हो जाते और सड़कों पर इधर उधर बिखरे पड़े रहते। भगवान ने एक और दूत को बुलाया और कहा, जाओ नगरवासियों से कह दो कि वो अब जितना चाहें उतने फल खाएं और बचे हुए फलों को बाकी शहरों को दे दें। दूत यही संदेश लेकर शहर पहुंचा, लेकिन उसे पत्थरों से मारा गया और शहर से दूर भगा दिया गया। लोगों के दिलो दिमाग में पुरानी बात इतनी बैठ चुकी थी कि उससे अलग वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पर समय के साथ कुछ युवा सोच वाले लोग पुराने रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लेकिन इतनी पुरानी परंपरा को छोड़ना आसान न था। इसलिए इन लोगों ने अपना धर्म ही छोड़ दिया और अब जी भर के फल खाने लगे और बचे हुए फलों को दूसरों में बांटने लगे। कुछ सालों में बस वो ही लोग धर्म को मानने वाले बचे जो खुद को संत मानते थे, लेकिन हकीकत में वे ये नहीं देख पा रहे थे कि दुनिया कैसे बदलती है और कैसे खुद को समय के साथ बदल लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे यहाँ बिल्ली के रास्ता काटने और कौवे के कांव कांव से लेकर के जात पात ऊंच नीच से जुड़ी अनेकों मान्यताएं हैं, जिनका आज कोई अर्थ नहीं है। और जैसे इस कहानी में इन चीजों को मानने वाले खुद को बड़ा धार्मिक और सबसे बड़ा संत समझते हैं, उसी तरह हमारे समाज में भी ऐसी बातें मानने वाले खुद को बड़ा पवित्र और ईश्वर का चहेता समझते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। हमें भी समय के हिसाब से अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। जो कल सही था वो आज गलत हो सकता है और जो आज सही है वो कल भी गलत हो सकता है। तो आइए समय के साथ बदलते हैं और अप्रासंगिक रीति रिवाजों और परंपराओं को खत्म करते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि जो हम आज कर रहे हैं वही कल भी सही होगा, या जो पहले कर रहे थे वो आज सही है। तो इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रतिदिन सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।